एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल शहर, जहां पर अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होगी। सुबह से बड़ी संख्या में अग्निवीर बनने के लिए युवा जुटे हुए हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। युवाओं का फिजिकल टेस्ट होगा। भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद के युवा शामिल होंगे। हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा के युवा भी शामिल होंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बनाए गए हैं हेल्थ सेंटर। भोपाल में 10 दिनों तक चलेगी अग्निवीर भर्ती रैली। रोजाना 3,000 से 5,000 युवा इस रैली में शामिल होंगे। लाल परेड मैदान में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये देश के अग्निवीर जो भावी प्रहरी है, ये इनकी अब अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल में अग्निवीर भर्ती रैली की परीक्षा शुरू हो गई है और आज से लेकर 9 नवंबर तक ये प्रक्रिया चल रही है। देखिए राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ये प्रक्रिया चल रही है और अलग अलग द्वार से यहाँ पर जो है एंट्री करवाई जा रही है। 9 जिलों से मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने पहुँच रहे हैं, इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए तमाम ये जो 9 जिले हैं, बुधनी, भोपाल और छिंदवाड़ा, बैतूल की अगर हम बात करें, यहाँ से अग्निवीर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भर्ती रैली के यहाँ पर जो लोग आए थे उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कितने बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने बजे से टेस्ट शुरू हो गया था? मैम 12:30 बजे रात को हम यहाँ पे एंटर हो गए थे, तो 4 बजे से हमारा रनिंग बैच चालू हो गया था। हाँ। तो 6:30 के समथिंग के बैच, लास्ट बैच में हमारी रनिंग हुई। हाँ। इसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा। हाँ, तो मतलब आज ही रिजल्ट बता दे रहे हैं? आज ही रिजल्ट बता रहे हैं। हाँ। और जो भी बंदा क्वालीफाई हो रहा है उसको मतलब रख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर रोक के रखे? रोक के रखे हैं। अच्छा। क्योंकि आगे की प्रोसेस चलती रहती है उनकी, 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोग क्या कुछ इंतजाम आप लोगों के लिए किए गए हैं ठहरने करने के, बस ट्रेन कुछ का इंतजाम किया गया है? हाँ, बस का इंतजाम किया गया है। हाँ। और सब बढ़िया है, टेंट वगैरह, रुकने का, पानी का, वॉशरूम का सब इंतजाम ठीक ठाक है। सारे इंतजाम। आप डिस्क्वालीफाई? आप भी डिस्क्वालीफाई? हाँ, हम भी मतलब जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको यहीं रोका जा रहा है? उनको यहीं रोका जा रहा है। अच्छा, और क्या कुछ टेस्ट हुए हैं अंदर, किस तरीके के फिजिकल? मेडिकल वगैरह चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है अभी। हाँ। उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंटेशन सही रहेगा। हाँ, हाँ। तो मेडिकल होगा उनका, मेडिकल के लिए डेट दी जाएगी उनको। अच्छा, तो मतलब अंदर काफी कड़ी प्रक्रिया जा रही है। अभी कितने लोगों ने टेस्ट लिया? टेस्ट हमारा लिया था समथिंग आज 2000 लड़कों की रेस थी। अच्छा। जिसमें से 300-400 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। कुछ किराया लिया गया बस का या बसेस फ्री है? फ्री है। देखिए यहाँ पर जो पूरी तरीके से प्रक्रिया है वो यहाँ पर जा रही है। 9 जिलों से जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हालांकि जो रिजल्ट्स हैं उनको अभी ही बता दिया जा रहा है। जो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको सीधा भेज दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और इसके बाद जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 नवंबर तक राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ये भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल।